दिक्कतें तो देखिए बहुत है, और आप इंडिया में देख रहे हो कि टैंकर्स का सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चारों तरफ टैंकर ही नहीं है। तो अभी हमने सोचा कि नहीं करना, इंसान अगर सोच ले तो वो सब कुछ कर सकता है। खाली आपकी सोच होनी चाहिए कि कुछ भी आपको अरेंज करना है तो भगवान रास्ते खुद ब खुद बना देता है, आपकी नीयत होनी चाहिए बस काम करने की। अभी तक मैंने कम से कम 400 टन ऑक्सीजन ला चुका हूँ मैं नागपुर में, और अभी कंटिन्यू हम लोग 70-80 टन ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं डेली। टैंकर कितने हैं? अभी टैंकर हमारे पास 8, और कलेक्टर साहब ने भी कुछ और दिया, तो ऐसे 14-15 के आसपास टैंकर चल रहे हैं नागपुर में। तो नागपुर वासियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी साहब ने हमारे इतना अरेंजमेंट करवा दिया है कि नागपुर वासियों को अभी हमारे पास एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन है। कल मेरे पास एक टैंकर दोपहर के 2 बजे तक खड़ा था, जीएमसी में बोलो या एम्स में बोलो या और भी कोई हॉस्पिटल, वहाँ खाली करने की जगह नहीं थी, इतना फुल करके रखवा दिया था साहब ने। कोरोनाची दुसरी लाट अधिकच भीषण आणि तीव्र होताना बघायला मिळते आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात ऑक्सिजनसह औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला, ज्यामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागलेले आहे. या कठीण काळात मदतीसाठी अनेकांचे हात पुढे आलेले आहेत. त्याचपैकी एक म्हणजे नागपूरचे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी प्यारे खान. शून्यातून विश्व निर्माण करणारे प्यारे खान यांनी एक माणुसकीचा नवा आदर्श घालून दिलेला आहे. संकटाच्या वेळी नागपूरकरांच्या मदतीसाठी धावून आलेल्या प्यारे खान यांनी स्वखर्चाने सुमारे 400 टन ऑक्सिजन हे नागपूरकरांना उपलब्ध करून दिलेले आहे. सबसे पहले तो मैं श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और जब मैं देखा था पूरे इंडिया की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पैनिक होती जा रही थी, लोग ऑक्सीजन के लिए बहुत यानी कि तराई तराई हो रहा था, चारों तरफ अगर देखेंगे आप लोग मर रहे थे, तो मुझे भी लगा कि ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम इसको कैसा लेके आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट किया और इंडिया की सारी कंपनियों से, मेरा लॉजिस्टिक का पैन इंडिया मेरे ऑफिसेस है, तो इस कारण मुझे टैंकर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और वो टैंकर मैंने 4 गुना दाम से उनसे ख़रीदा, क्योंकि मैं नागपुरियन होने के कारण मेरा नागपुर के प्रति भी कुछ फ़र्ज़ है। तो ऐसे एक भिलाई से और एक बेल्लारी से ऐसे 2 टैंकर बुला के मैंने दिए, तो उससे नागपुर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आई। उसके बाद साहब ने मुझे बुलाया, साहब ने मुझसे कहा कि भाई आप ये पूरा ऑक्सीजन का नागपुर का आप ही संभालोगे, और साहब ने मेरी बहुत मदद की। साहब ने मुझे 5 टैंकर विशाखापट्टनम से दिलाए, फिर वो मैं राहुल किला लेके गया, राहुल किला से भर के लेके आया, 1 टैंकर और भिलाई से लिया, तो ऐसे हम लोग 7-8 टैंकर हम लोग चला रहे हैं। और 3 टैंकर साहब ने इधर मध्य प्रदेश भोपाल में भी बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, तो वहाँ 3 टैंकर वहाँ पे भी हमने भेजा, तो बस सेवा कर रहे हैं। प्यारे खान यांचा जीवन संघर्ष अतिशय रोचक आहे. उमेदीच्या काळात प्यारे खान यांनी नागपूर रेल्वे स्थानकावर संत्रे विकण्याचं काम केलं. त्यानंतर आईने दिलेल्या काही दागिने विकून प्यारे खान यांनी ऑटो रिक्षा चालवायला सुरुवात केली. बँकेतून कर्ज काढून त्यांनी 2007 मध्ये स्वतःची ट्रान्सपोर्ट कंपनी सुरू केली. आज त्यांचं देशभरात ट्रान्सपोर्टचं मोठं जाळं निर्माण झालेलं आहे. आपलं शहर संकटात आहे आणि त्यामुळे नागपूरकरांची मदत करावी या मोठ्या हेतूने त्यांनी टँकरच्या माध्यमातून ऑक्सिजन पुरवण्याचा निर्णय घेतला आणि आज त्यांच्याच या प्रयत्नांमुळे नागपूरला ऑक्सिजनची पुरवठा होतो आहे आणि अनेकांचे जीव देखील वाचत आहेत. धनंजय टिपले, ETV भारत, नागपूर.